ऑनलाइन फ्रॉड का एक नया तरीका बहुत तेजी से मार्केट में फैल रहा है और लोगों को पता ही नहीं, इवन पुलिस को पता नहीं, जानकार को पता नहीं, मुझे तक पता नहीं कि कैसे ये फ्रॉड लोग कर ले जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ ये फ्रॉड कौन सा है, ताकि आप इसको प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं चल पा रहा है कि फ्रॉडस्टर इतना पेचीदा फ्रॉड इतनी स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। पश्चिम बिहार दिल्ली के ACP आशीष कुमार ने खुद ये बताया है कि आजकल ऐसे केसेस बहुत सामने आ रहे हैं जिसमें फ्रॉडस्टर आपको फ़ोन करेगा और कहेगा गलती से आपके अकाउंट में हमारे कुछ पैसे चले आए हैं, मैंने गलती से ट्रांसफ़र कर दिया है। वाकई में वो ट्रांसफ़र करते हैं आपके अकाउंट में 5,000-10,000 और मेरे पैसे आप प्लीज़ मुझको इस नंबर पर वापस कर दीजिए, और आपका दिल पसीजता है। आप उसका नंबर में जब पैसे वापस डालते हैं तो उसके बाद आपका अकाउंट हैक हो जाता है और वो और पैसे निकाल लेता है आपके अकाउंट से। ऐसे एक नहीं कई केसेस दिल्ली NCR रीजन में आ रहे हैं, नए मामले हैं, कुछ ही हफ्तों से ऐसा फ्रॉड देखने को मिला है और अभी तक पुलिस और जानकार लोग नहीं पता कर पाए हैं ऐसा कैसे मुमकिन है। इसलिए आपको कोई भी फ़ोन करे और कहे कि आपके अकाउंट में मेरे पैसे गलती से चले आए हैं, मुझे पैसे वापस भेज दीजिए, तो उनसे कहिए यहाँ हमारे घर आइए, कैश पैसे ले जाइए, या फिर उनको चेक से पोस्ट कर दीजिए, या फिर बहुत ही क्रूशियल स्टेज हो तो उनका अकाउंट डिटेल मांगिए, अकाउंट नंबर, IFSC और नंबर, ब्रांच, और ब्रांच में जाके मैनुअली उनको पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट उनको करिए ही ना, तो ही आप सेफ रहेंगे, नहीं तो पुलिस को सूचित कर दीजिए। न्यू टाउन के निवासी पवित्र कुमार घोष के अकाउंट से 1.82 लाख रुपीस गायब हो गए। उन्होंने 2 रुपये की एक पेमेंट की थी इसकी वजह से। सेम यहां पर भी फंडा फ्रॉडस्टर्स ने अपनाया, उनको फ़ोन आया, कहा एक फॉर्म भर दीजिए, कोई बात में फंसाए उनको, और फॉर्म की कीमत सिर्फ 2 रुपये है, और 2 रुपये का उन्होंने फॉर्म ऑनलाइन पे करके भरा और जिस अकाउंट से पे किया उसी अकाउंट से 1.8 लाख रुपीस डिडक्ट हो गए 2 ट्रांजेक्शन्स में। पुलिस में कंप्लेन किया लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इसके साथ वाडला की एक घटना सुनिए। 12 नवंबर की तारीख को बिग बाजार का एग्जीक्यूटिव बन के एक शख्स ने एक शख्स से बात की और उसके 80,000 रुपये गमन कर दिए। माजरा ये था कि एक आदमी के पास 10,000 रुपीज़ का बिग बाजार का कार्ड था जिसको वो कैश करना चाहते थे, इसलिए बिग बाजार का नंबर उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया। अब फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि इंटरनेट पे नंबर अपना डाल देते हैं कि हम स्विगी कंपनी से हैं, बिग बाज़ार से हैं, गोदरेज से हैं, तमाम नंबर्स वो अपलोड कर देंगे और आप फ्रॉडस्टर को कॉल करते हैं बजाय कि कंपनी को, और फिर वो आपको अपनी बातों में फंसाकर आपके पैसे गायब कर लेते हैं क्योंकि आपको उनके ऊपर विश्वास होता है। उन्होंने आपको कॉल नहीं किया, आपने उनको कॉल किया है सोचकर कि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए आपको कोई भी ऑनलाइन नंबर मिलता है तो देखिए कि ये वाकई में उनका टोल फ्री नंबर है या नहीं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है या नहीं, और एक जगह नहीं 2-3 जगह वेरीफाई करके तो ही बात कीजिए। इस वीडियो में इतनी जानकारी, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर बुजुर्ग लोगों के साथ, खासकर उनके साथ जो अभी स्मार्टफोन यूज़ करना सीखे हैं और ऑनलाइन पेमेंट करना कम जानते हैं। दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।